जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों आज हम आए धार, और धार क्यों आए आपको पता है कि अगले महीने जो अगली नेक्स्ट वैकेंसी जो आर्मी की है अभी सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो आपको आज ग्राउंड दिखाएंगे, ग्राउंड कैसा है, कैसा का ट्रैक है, और क्योंकि आपकी जो भर्ती होने वाली है ये बारिश के अंदर होने वाली है, तो ग्राउंड का ट्रैक कैसा है, मिट्टी का बना हुआ है या चूड़ी डली हुई है। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी महू यारों के सभी, ये वीडियो आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जब भी स्टूडेंट के पास ये पहुँचे जिनको आर्मी की वैकेंसी देना है अभी जो महू यारों की जो होने वाली है सितंबर में। तो ट्रैक कैसा है, धार में आपकी भर्ती है और ट्रैक का फाइनल हो चुका है कि धार में ही आपकी भर्ती होगी, तो साई के अंदर आपकी भर्ती होगी जो खेल प्राधिकरण का है। तो आज हम उसी के बाहर खड़े, हालांकि अंदर एंट्री नहीं है, तो अंदर एंट्री नहीं मिली है, अंदर एंट्री अभी बंद है क्योंकि कल या परसों में फाइनल हुआ है। जो आर्मी के अफसर है वो लोग आए थे और कलेक्टर भी साथ में थे, और ये ग्राउंड की बाउंड्री है, इसके उधर ग्राउंड है और ग्राउंड बहुत बढ़िया बना हुआ, हम अंदर से देख के आए, बाकी वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। बाकी ट्रैक वगैरह सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या ट्रैक है, कैसे क्या आपको वहाँ पर तैयारी आप करके जाना, क्या मेंटेलिटी आपको जाना है। बहुत बढ़िया ट्रैक है और बहुत ही शानदार बना हुआ है अंदर पूरा बेहतरीन तरीके से, और पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक अभी भी इतना पानी गिरने के बाद भी ट्रैक की पोजीशन ये है कि आप अभी भी वहाँ पर अगर भर्ती लेंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, आप अभी भी वहाँ पर दौड़ सकते हैं इतना पानी गिरने के बाद भी। बहुत अच्छा बना हुआ है, पीली मिट्टी और चूरी उस पर हल्की सी डली हुई है, और थोड़ा सा हल्का सा ढालू ग्राउंड है, तो जो पानी की इकट्ठा होने समस्या उसके अंदर नहीं है, निकासी की पूरी व्यवस्था वहाँ पर है पानी की, तो किसी भी टाइम आपकी भर्ती होगी तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाली है। बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है, इसके पहले भी एक बार भर्ती हो चुकी है धार में, अगर आपको पता हो किसी ने दी हो तो। बहुत बढ़िया ट्रैक है और बहुत ही व्यवस्थित, और बहुत व्यवस्थित जगह है, और हो सकता है कि अभी अभी आज की पोजीशन में ट्रैक इतना अच्छा है तो आगे जब भर्ती होगी तो काफ़ी अच्छे से उसको तैयार कर दिया जाएगा, और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपको शूज़ में दौड़ना है, आप शूज़ पहन के दौड़ सकते हैं, विदाउट शूज़ के भी आप दौड़ सकते हैं। ट्रैक बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया ट्रैक बना हुआ है, तो आप ट्रैक देखिए कैसा क्या ट्रैक है, और अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से आप कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, एक से डेढ़ महीना आपके पास में है। तो ये जो डाउट है ट्रैक वाला, ये तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रैक है, और आप जब तैयारी आप करेंगे और जब यहाँ पर आप भर्ती देने के लिए आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ट्रैक बहुत व्यवस्थित बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ग्राउंड के अंदर और ट्रैक आपको दिखाते हैं। तो फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि आप ग्राउंड पर हम आ गए हैं और ट्रैक आप देखिए, क्योंकि इंदौर से धार सिर्फ इस एक ही काम के लिए हम आए थे कि जो भी स्टूडेंट है महू आरओ के, जो भी भर्ती देने वाले हैं, वो जिनके मन में डाउट है कि यार ग्राउंड कैसा होगा, बारिश का मौसम है, रनिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आपका डाउट आज क्लियर हो जाएगा कि ग्राउंड कैसा है और इस मौसम में ग्राउंड की क्या स्थिति है। तो आप देखिए, ट्रैक बहुत शानदार है और बहुत ही अच्छा ट्रैक है, आप विदाउट शूज़ के भी यहाँ पर बहुत आसानी से आप रनिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्राउंड में मेन चीज़ है कि पानी इकट्ठा नहीं होता है, पानी के निकासी की सारी व्यवस्था वहाँ पर है। ग्राउंड थोड़ा सा एक तरफ से हल्का सा ऊँचा है, नीचे ढलान टाइप है, तो पानी वहाँ पर रुकने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, पानी जैसे ही गिरेगा और उसकी निकासी की व्यवस्था है वैसे पानी वहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो ट्रैक बहुत व्यवस्थित बना हुआ है और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इस ट्रैक पर होने वाली नहीं है। इतना पानी गिरने के बाद भी ट्रैक की स्थिति ऐसी है कि आप आज भी किसी भी समय अगर जाएंगे तो आप वहाँ पर रनिंग कर सकते हैं। तो आप मेन फोकस अपनी तैयारी पर कीजिए, अपनी रनिंग पर कीजिए, आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, और आप सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, आपको इतने लंबे टाइम के बाद ये जो मौका मिला है तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, इतनी मेहनत कीजिए, आप इतनी मेहनत कीजिए कि आप जिस दिन आप भर्ती देने के लिए जाएंगे उस दिन आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो, किसी प्रकार की कुछ चीज़ सोचना ना पड़े। तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए तैयारी पे। आपका जो मेन डाउट था ग्राउंड कैसा है, तो आप देख लीजिए, ग्राउंड ही बहुत प्यारा बना है ग्राउंड, अभी तो इसको और तैयार किया जाएगा, जब भर्ती करीब आ जाएगी तो आर्मी के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा और बहुत ही व्यवस्थित इसको कर दिया जाएगा। तो ग्राउंड बहुत अच्छा है और ट्रैक बहुत बढ़िया बना हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपनी तैयारी पर, अपनी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए और आप 100 नंबर का फिजिकल आप वहाँ पर क्वालिफाई कीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको आर्मी की तैयारी करना है तो बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, आप आ सकते हैं इंदौर इंडियन फिजिकल एकेडमी, जहाँ पर आपको गारंटेड फिजिकल और रिटर्निंग क्लासेस आपको करवाई जाएगी।
ज्वाइन करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, आप कॉन्टैक्ट पर कॉल कीजिए। और भी कोई डाउट रहता है या आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, बराबर आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। बाकी ट्रैक बहुत अच्छा है, आज ट्रैक हम देख चुके हैं और ट्रैक का वीडियो में इस वीडियो के साथ मैं आपको डाल दूंगा, आप देखिए बहुत अच्छा ट्रैक है, काफ़ी व्यवस्थित बना हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट तुरंत आप तक पहुँचते रहे। जय हिंद, जय भारत।